हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सालू कटारिया ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज का ब्लॉग। डे है आज संडे का, तो मॉर्निंग के अभी टाइम हो चुका है, 6 AM हो रहे हैं। मैं नहा चुकी हूँ, रेडी भी हो चुकी हूँ। तो बस करते हैं काम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा बहुत ऐसी, तो आपको पता है मैंने ब्लॉग अभी आपने मेरा देखा होगा अगर पहले पिछले वाला, तो उसमें मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जी हाँ, मेरे फीवर हो गया था, तो मैंने इसलिए कल कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा था। जो भी ब्लॉग आज गया है वो मेरा उस दिन का ही गया है जब मैंने शूट करा था। वो मैंने शूट करा था इवनिंग में, तो वो उसी दिन का गया है। उसके बाद भी मैंने कल तो कोई रिकॉर्ड नहीं करा, कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो इसलिए कोई ब्लॉग नहीं गया उसका, कोई ब्लॉग नहीं बना। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक है, बस हल्का फुल्का, जैसे एकदम से फीवर होता है तो शरीर को एकदम थका देता ना, तो बस थोड़ा वैसा हो रहा है, वैसा और कुछ नहीं है। वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो जी बस आज का काम ये है कि बस खाना बनाना है, काम करना है, और कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ, स्पेशल है आज फादर्स डे है, तो हैप्पी फादर्स डे जो भी पापा हैं, मेरे दोनों बच्चों के पापा, उन्हें भी, उनके बच्चों की तरफ से, तो मेरे भी पापा को, जो मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, जितने भी हैं, सब जिन्हें मैं अपने पापा के समान मानती हूँ, और जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो भी, तो हैप्पी फादर्स डे। तो चलिए जी आज का स्टार्ट करते हैं व्लॉग, देखते हैं आज क्या स्पेशल होता है, क्या नहीं, कुछ होता भी है या नहीं होता, देखते हैं। तो गाइस, काम तो मेरा सब हो चुका है और टाइम हो रहा है फिलहाल 12:15 का टाइम हो रहा है दोपहर के। तो देखिए आज मैंने जो है समीक्ष के जितने भी ये टैडी वगैरह थे ना, ये सब वॉश करे हैं, ये भी, और जो उसका बड़े वाला है, जो उसका बड़े वाला टैडी है जिसे वो जोनी जोनी बोलता है, उसको भी मैंने नहला दिया है जैसा कि मैंने उसको बोला। वो ना करीबन जैसे जितनी मेरी हाइट है ना इतना ही है वो, तो मैंने उसको बोला कि जोनी को दे जाओ मुझे, तो कह रहा क्या करोगी मम्मा, इसको नहलाओगी? मैंने कहा हाँ इसको नहलाऊंगी, ये बहुत गंदा हो रहा है। तो बस मैंने उसका जो भी उसमें कॉटन थी ना वो सारी निकाल के अब मैं उसको दोबारा से स्टिच कर दूंगी, उसके बाद में उसमें कॉटन फिल कर दूंगी, फिर से वो वापस से वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो कॉटन आराम से निकाल के धो सकते हैं उसे। तो देखो मैंने तो अभी फर्स्ट टाइम धोया उसे जब से वो आया है, तो देखते हैं कैसा उसका होता है नहीं होता। या फिर मैंने उसके बीच में एक और करी थी मस्ती, मैंने क्या करा था, जब वो धुल गया हल्का सा सूख गया, तो मैंने उसको उसमें समीक्ष को ही फिट कर दिया था, और वो मतलब ऐसा खुश हो गया कि हाँ मैं ही जो नहीं बन गया, तो वो नीचे गया भी था नीचे लेके, बट जैसे उसमें सांस जैसे कहीं से बच्चा हवा पास होने की कहीं जगह नहीं थी ना, तो वो जल्दी परेशान हो गया था, इरिटेट हो गया था, तो इसलिए इसको निकाल दिया। तो बस चल रही है हमारी मस्तियों ही अभी तक। ऐसा हो रहा है कि शायद मुरथल जा सकते हैं, मुझे पता चला है हस्बैंड से, वो कह रहे हैं कि चलो मुरथल चलते हैं, बाकी देखते हैं शाम को क्या होता है। अभी मेरा थोड़ा सा मेरा मन है भी नहीं भी, बाकी देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा जो सूट पड़ा है मुझे वो सोच रही थी मैं वो पहन के जाऊंगी अगर जाना ही है तो। अब देखते हैं उसकी लैगी लाते हैं नहीं लाते और कैसी लेकर आते हैं, फिर जो मैंने आपको बताया था ना कि वो मिसमैच मतलब कलर आया था उसका, तो देखते हैं कैसे ले। तो गाइस देखिए मैंने इन्हें भेजा था, मेरी छोटी ननद गई थी तो ये लोग आ गए हैं। मैंने सूट भी देखो इतने रेडी कर लिया, ये भी उल्टा है, मैंने इसके जो इस पे आगे कागज वागज जो भी इस पे लगा हुआ था ना वो सब हटा दिया, यही सूट मैं सोच रही थी पहन के जाऊंगी, तो देखते हैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी इसे पहन के, या जाते भी है या नहीं जाते। और देखिए मैंने इनसे लैगी मंगाई थी, तो मैंने ये लैगी खोल के देख लिया, ये लैगी ले तो आए हैं, ये देखिए ये लाए लैगी, बट ये ना इतनी बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी लैगी है ये, बहुत लूज वाली। अब यही कह रहा है कि तू इसको उठा के रख दे, मैं इसको वापस नहीं करके चेंज नहीं करने जाऊंगा, ये किसी को दे दियो और तू दूसरी ले आइयो। अब मैं ऐसे थोड़ी होता है यार, पैसे लगे हैं, अब मैं क्या करूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर चलो देखते हैं, या तो किसी के काम ही आ जाए या फिर इसको मैं ही पहनूंगी, देखते हैं क्या हुआ।
मैं पहले भी ना ऐसी एक लेगी आई थी, उससे बहुत परेशान हूँ। उसकी वजह से मैंने सूट पहनना भी छोड़ दिया, उस वो वाला जिसके नीचे की वो लेगी है। तो इसको देखते हैं कैसे यूज करेंगे, बाकी इमरजेंसी में तो मुझे अब यही पहननी पड़ेगी। तो देखते हैं आज का प्लान क्या होता है, जाते हैं या नहीं जाते, अभी तक फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि जाएंगे। तो गाइज मैं रूम में आ चुकी हूँ, सब बात हो चुकी है। बात क्या हो रही है, कोई नहीं जा रहा। टाइम 6:30 हो रहे हैं, 6:30 PM हो चुके हैं शाम के, इवनिंग के। तो अब मैं खाना बना रही हूँ, खाना बन रहा है कढ़ी चावल। कढ़ी मैं छोक चुकी हूँ, चावल भी बन चुके हैं। मैं आपसे, मेरे को एकदम से याद आ रहा है, मैंने आपसे बात करी थी, मैंने आपको तो कोई अपडेट दिया ही नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, घर पे ही हैं। तो बस देखते हैं, कड़ी चावल बन रहे हैं। जो छोटे वाला देवर है उसकी फरमाइश है, मम्मी ने कहीं से करा है जुगाड़ लस्सी का, लस्सी लेकर आई है, फिर कड़ी बन रही है। छाए छाए बोलते हैं ना। तो बस किचन का काम लगभग सब हो चुका है, सिर्फ क्या रह रहे हैं, बर्तन वॉश करने रह रहे हैं, वो भी मैं कर लूंगी। और आज का मौसम कुछ ऐसा रहा कि बस कपड़े तो पूछो मत कैसे सूखे हैं, बहुत मुश्किल से कपड़े सूख रहे हैं। अब ये पता नहीं आगे आगे ऐसे ही रहेगा क्या, मौसम पता भी नहीं। देखिए गाइस, समीक्ष के पापा लाए हैं, समीक्ष के पापा नहीं लाए, समीक्ष के पापा ने मंगाए हैं, समीक्ष के चाचा लाए हैं बड़े वाले। ये है, क्या है ये, इन्हें गांव में बोलते हैं कुकड़ी, शहर वाले बोलते हैं भुट्टा। अच्छा, हम तो इन्हें भुट्टा ही बोलते हैं, छल्ली तो वैसे होती है उबली हुई, ये भुट्टा ही है। अब ये भून भून के देंगे अपने बच्चों को, उनका मन हो रहा था बच्चों का ही नहीं। और ये देखे हमारी कढ़ी बन रही है यहाँ पे, और राइस के बन चुके हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए, और ये देखे यहाँ खड़े हुए हैं। खाने के लिए क्या खाओगे, भटूरा नहीं बोलते, से भुट्टा बोलते हैं, भुट्टा खाओगे। हेलो बोल दो गाइस को, ऐसे बोलते हैं ऐसे, हेलो गाइस, भाग गया। तो चलिए बस अभी अपना भुट्टा बोल दो, देख लो आप भी। और इनकी किस्मत अच्छी है, नींबू भी है आज। तो देखिए गाइस, भुट्टा बुन चुका है, और ये लगा दिया इन्होंने नमक भी इस पे और नींबू भी। और ये देखिए खाने वाले भी तैयार हैं, ये खड़े यहाँ पे खाने के लिए। और देखिए किस पे खड़ा है, इसको इतनी बार बोल रही हूँ कि आटे के कट्टे पे नहीं खड़े होते, पर ये नहीं सुन रहा। अब गाइस ना आपको कहेंगे बैड बॉय, उतर जाओ नहीं तो जल्दी। हाँ गुड बॉय, गुड बॉय बन गया समीक्ष। तो बेसन की गाली, तो देखिए भुट्टा बन चुका है, कैसा भुट्टे की कटिंग चल रही है पापा की। तो जी बस ये लगे रहेंगे अपने इसमें, हम चलते अपने काम में। तो गाइस देखिए बज गए हैं 8, और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, हस्बैंड ढूंढ रहे थे भुट्टा, तो वो सबके लिए नीचे ले गए हैं काट के। देखे मेरे लिए भी रखे गए हैं, मैंने इतने से ही मतलब सबके लिए काट के ले गए हो पीसीज में, तो मैंने ये ले लिया, मैंने कहा पकड़ने में आसानी होगी, तो मैं बस भी टेस्ट करती हूँ। अच्छा लग रहा, और भाई साफ कहना, जब हस्बैंड कोई चीज बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगती है। आप भी अपने हस्बैंड से बनवाना भुट्टा और खाना, बारिश के मौसम में अच्छा लगता है। मुझे ज्यादा मतलब खास पसंद नहीं है, बट हस्बैंड ने बुना है इसलिए खा लूं, अच्छा लग रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताना किस किस के हस्बैंड ऐसे करते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही है, छुट्टी रहते हैं ना, अब तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए भी ट्राई करते रहते हैं। तो मैं तो अच्छा लगता है मुझे, मतलब मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। मैं बहुत लकी हूँ इस बात में, इस मामले में तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। तो चलिए जी, मैं तो करती हूँ अपना एंजॉय भुट्टा, और मिलती हूँ आपसे बाद में। आइए आप लोग भी भुट्टा एंजॉय करिए मेरे साथ में,
और मेरे ब्लॉग में बने रहना। और अगर मेरे ब्लॉग पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। मैं तो गाइस देखिए खाना रेडी हो चुका है, आइए आप भी खाइए। अभी नीचे जा रहे हैं सारे लेके, ये देखिए खड़े लोग कैसे देख रहे हैं। तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। तो गाइस देखिए बस अब मेरे को किचन क्लीन करना है, खाना सब खा चुके हैं, बस मैं रह गई हूँ। अभी मैं किचन वगैरह क्लीन करके तब जाके खाऊंगी खाना। ये देखिए मैंने इसमें इनमें कर दिए हैं चावल भी और कड़ी नीचे वाले में, बर्तन यहाँ आ चुके हैं। बस अब मैं जल्दी जल्दी से वॉश करके पूरी किचन क्लीन करूंगी, क्योंकि नीचे से मेरा जो छोटे वाला बेटा है ना वो बार बार लग रहा है बोलने ए ए ए कर जा रहा है। तो बस मैं जल्दी जल्दी करती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में, ठीक है। तो गाइस देखिए मैं एप्रेन लगे लगे ही आ गई हूँ। क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा छोटे वाला लड़का ना जैसे ही मैं किचन वगैरह क्लीन करके हटूंगी तभी आ जाएगा। तो इसलिए मैं ब्लॉग का एंड यहीं पर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।